शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी के सामने मैं आज एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ चर्चा करने के लिए जुड़ा हूँ। इस समय का सबसे चर्चित और हर सड़क पर खड़े लोग, हर गली में, हर चौराहे पर और हर घर में इस समय जिस बात को लेकर या जिस मामले को लेकर वह की स्थिति में है और अलग अलग अपनी ओपिनियन, अलग अलग राय बना रहे हैं, उन सब को सुनने के बाद मेरा मन काफ़ी दिनों से काफ़ी व्यथित था इस चीज़ों को लेकर। और मुझे लगा कि इस पर मुझे अपने अनुभव और अपने जो पूर्व के अतीत के घटनाओं और इतिहास, ऐतिहासिक चीज़ों को परिदृश्य में मद्देनज़र रखते हुए जो मैंने सीखा है, जो जाना है, जो समाज को पढ़ा है, तो उसके बारे में जो मेरी ओपिनियन आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, कोई भी समाज में अगर कोई घटना होती है तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं। उस घटना से समाज को क्या सीखना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, ये एक कंसर्न है, ये एक राय है कि हमें अपनी अपनी राय बनाने का अधिकार है, क्योंकि हमारे संविधान ने भी हमें अभिव्यक्ति, अपने हिसाब से जीने और अपने हिसाब से सोचने का राइट्स देता, अधिकार देता है, और सबको अपनी बात रखनी चाहिए किसी को। लेकिन अगर वो राय किसी व्यक्ति, एक घटना को लेकर, और वो राय एक घटने से कहीं डिरेल होकर, किसी डायरेक्शन चेंज करके किसी एक खास कम्युनिटी या किसी खास जेंडर या किसी पूरे एक समुदाय विशेष को इंडिकेट करने लगे या उसे दोषी ठहराने लगे, तो ये कहीं ना कहीं न्याय उचित नहीं होगा। किसी भी दृष्टि से कोई भी घटना को हमें घटना की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, देखना चाहिए। और आज के टाइम पे सोशल नेटवर्किंग साइट में कोई भी घटना होती है वो इतनी तेज़ी से वायरल होती है कि वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचती है और तुरंत लोग उस पर अपनी धारणा और राय बनाने लगते हैं। इसी तरह एक घटना जो हुई अभी, आप सब शायद वाकिफ यही हैं उस घटना से, जो एक SDM हो गया है और उनके पति के बीच जो भी विवाद है, इस विवाद स्थिति उत्पन्न हुई है उनके निजी और व्यक्तिगत जीवन को लेकर, उस पर समाज में तरह तरह के मीम्स और सोशल नेटवर्किंग साइट में तरह तरह की बातें बन रही हैं। स्त्रियों को लेकर एक नकारात्मक, एक धड़ा पूरा जो नकारात्मक चीज़ें प्रसारित कर रहा है, पूरे समाज को जोड़कर उस घटना को एक पूरे स्त्री समाज से लिंकअप करके जोड़कर अपनी राय बना रहा, अपनी धारणाएं बना रहा। जबकि हम जब इस आधुनिक भारत में, जहाँ पे हमारा संविधान भी तार्किक और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है, जहाँ पर राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, समानता के अधिकार की बात करता है, वहाँ पर किसी एक घटना को लेकर पूरे एक कम्युनिटी को या पूरे एक जेंडर को दोषी ठहराना कहीं ना कहीं ये न्याय उचित नहीं होगा किसी भी दृष्टि से। क्योंकि हमारे समाज में के दो पिलर हैं, स्त्री और पुरुष, और दोनों को साथ साथ चलना, दोनों को मजबूत होना एक आदर्श समाज के लिए, एक कल्पना आदर्श समाज के लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही आवश्यक है। अगर दोनों पिलर में कोई भी एक पिलर अगर कमज़ोर पड़ा तो कभी भी हम अपनी उस स्थिति को नहीं पा सकते। हजारों वर्षों के संघर्ष और त्याग के परिश्रम के बाद, कई सारे लोगों के संघर्ष के बाद आज हम इस स्थिति पर पहुँचे हैं कि जहाँ पर स्त्रियाँ और पुरुष कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए साथ आकर खड़े हुए हैं।
अब वहाँ पे ऐसी घटनाओं के हो जाने से आप किसी पूरे समाज को गलत ठहराना या किसी एक लिंग विशेष को गलत ठहराना सही नहीं होगा। अगर आप अपना पर्सपेक्टिव अर्थात अपना नज़रिया को थोड़ा व्यापक करेंगे तो आप किसी भी घटना के पीछे पाएंगे तो कोई एक खास लिंग या कोई खास व्यक्ति या कोई व्यक्ति केवल एक व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता, उसके साथ और भी लोग पीड़ित और दोषी हो सकते हैं, कोई एक व्यक्ति पीड़ित भी नहीं हो सकता। जैसे हम इस घटना की बात करें, इस घटना में एक स्त्री की वजह से हो सकता है एक पुरुष पीड़ित हो, ये बात सच है, लेकिन एक पुरुष की वजह से एक स्त्री भी पीड़ित है। तो एक साथ एक पुरुष और एक स्त्री दोनों पीड़ित हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल पुरुष पीड़ित है, लेकिन जैसा कि पता है कि हजारों वर्षों से या हमारा अतीत जो रहा है वो स्त्रियों को लेकर काफी रूढ़िवादी विचारों से ग्रसित रहा है। स्त्रियों के बारे में क्या करना चाहिए, क्या निर्णय है उनको लेने के लिए हमेशा उहापोह स्थित बनी रही है आपस में विचारकों के बीच में। एक सभ्य समाज जो अपने आप को सभ्य समाज तथा कथित सभ्य समाज तथा कथित विचारक, उनमें आपस में कंसर्न जारी रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये अपने नज़रिया और दृष्टिकोण को व्यापक करके और अपना दिल बड़ा करके उनको बराबर के, जब बराबर के अधिकार की बात कर रहे हैं, राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, जो वहाँ पे हमारा संविधान इस चीज़ की बात कर रहा है, तो हमें अपने दृष्टिकोण को वो करना चाहिए, व्यापक करना चाहिए, और ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे पूरा स्त्री समाज या पूरे हमारे समाज का एक पिलर को सामाजिक भेदभाव का शिकार होना पड़े। और जो अभी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाने के लिए आज चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आकर खड़ा हुआ है, कहीं उसका नकारात्मक प्रभाव पड़े और वहाँ पे कई ऐसे लोग हों जो अपने अपनी अपने ज्ञान और अपनी शिक्षा और अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आगे जीवन में बेहतर कर सकते थे तो वो करने से वंचित रह जाएं और एक बेहतर समाज जो बनने की परिकल्पना में है कहीं हम फिर पीछे चले जाएं। तो हमें ऐसे रूढ़िवादी विचारों और रूढ़िवादी सोच से बाहर निकलना चाहिए और आपको गहराई से विचार करके अपनी राय रखनी चाहिए। कोई भी ऐसी राय ना रखें जिससे कोई एक समाज, पूरे पूरे समाज को टारगेट किया गया हो या पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया गया हो, किसी लिंग विशेष को टारगेट किया गया हो, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की या एक घटना की वजह से आप किसी पूरे समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो मेरा जहाँ तक ये ओपिनियन था और ये मेरी राय है, इसके बारे में मैंने राय रखी है कि आप बोल, हो सकता है कि आप एक व्यक्ति के प्रति सेंटिमेंट है आपके, उसकी तरफ भावनाएं ज़्यादा वो हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे केवल एक पुरुष है और एक महिला दोषी है और सारी महिलाएं वैसे ही होंगी, सारी स्त्रियां वैसे ही करेंगी, इसकी वजह से आप उनको आगे बढ़ाने के लिए सोच लें। बहुत सारी हम मीम्स देख रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं कि बहुत सारी बनने की लड़कियों को बुलाया जाएगा, ये सारी चीज़ें करनी है, तो कहीं ना कहीं ये नकारात्मक पहलू है। हमें इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए और आपको आश्चर्य हो गए जान के, ऐसे लोग जिनको जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और मिलियंस में व्यूज आते हैं, ऐसे लोग ऐसी ऐसी चीज़ें प्रचारित कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें प्रसारित कर रहे हैं स्त्रियों को लेकर, जो कभी भी एक सभ्य या एक वैचारिक पूर्ण एक तर्कपूर्ण समाज कभी भी उचित नहीं ठहरा सकता, और बिना स्त्रियों के आप समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो हमें अपने नज़रिया और अपने दृष्टिकोण को व्यापक करना चाहिए और एक अच्छे समाज और एक बेहतर समाज की परिकल्पना करना चाहिए जहाँ पे दोनों पिलर, दोनों ही हमारे जो एक सिक्के के दो पहलू, दोनों पहलू एक साथ अच्छे से ग्रो करें, अच्छे से समाज में आगे बढ़ें और अच्छे से अपने जीवन को बेहतर करें। क्योंकि जब एक स्त्री भी शिक्षित होगी, जब एक पुरुष भी शिक्षित होगा, हमारा समाज और ही अच्छा और ही बेहतर होगा और समाज में सारी चीज़ों पर अपने अपने दृष्टिकोण विचार के साथ आगे बढ़ने का साहस होगा और समाज में हर तरह की क्राइम, हर तरह की चीज़ें कम होंगी। तो ये सब चीज़ों के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।